हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्टडी विद आर के झा सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस चैनल में हिस्ट्री से संबंधित और पॉलिटी और करंट अफेयर्स से संबंधित सारी जानकारी लेते हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आप लोगों का चल रहा है भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसमें आप लोगों ने 14 टॉपिक्स को नोट किया था। उसमें से आप लोगों को ब्रह्म समाज, जिसमें कि राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर इसके बाद आपने देखा आर्य समाज, जिसमें आपने दयानंद सरस्वती के बारे में नोट किया, और अब जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रामकृष्ण मिशन, जिसमें कि हम लोगों ने अभी डिस्कस हम लोगों को डिस्कस करना है स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो आप नोट करेंगे राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। हम लोग इसमें याद रखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्हें दक्षिणेश्वर स्वामी भी कहा जाता है, तो उनके नाम पर ही रामकृष्ण मिशन नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो आप नोट करेंगे कि रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 एट बेलूर इन कलकत्ता। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। हम लोग याद रखेंगे कि द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज स्वामी राम कृष्ण परमहंस, स्वामी राम कृष्ण परमहंस। विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी राम कृष्ण परमहंस था, स्वामी राम कृष्ण परमहंस था। हम लोग याद रखेंगे कि स्वामी राम कृष्ण परमहंस बहुत बड़े संत थे। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में पुजारी थे, और इसीलिए इन्हें दक्षिणेश्वर का स्वामी भी कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हु इज कॉल्ड दक्षिणेश्वर स्वामी, तो आपका क्या आंसर होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी भी थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन जितने भी धर्म दुनिया में थे और धार्मिक ग्रंथ थे, गजब की नॉलेज थी इनकी। ये वेद के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में, बाइबल के बारे में, कुरान शरीफ मुसलमानों का जो ग्रंथ है उसके बारे में, पारसी धर्म ग्रंथ के बारे में, आगम जैन धर्म ग्रंथ के बारे में, और फिर त्रिपिटक बौद्ध धर्म के बारे में गजब की जानकारी थी इन्हें। और ये शुरू से ही मूर्ति पूजा के समर्थक थे, चूंकि काली माँ इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था ऐसा कहा जाता है। ये बहुत बड़े तपस्वी थे, और इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, चूंकि इनका ये मानना था कि मूर्ति पूजा से ही हमारा ध्यान कंसंट्रेट होता है और हमारी तपस्या सफल होती है। तो इसीलिए शुरू से ही विवेकानंद भी मूर्ति पूजा के समर्थक इनके संपर्क में आने के बाद होते हैं। हालांकि पहले जो ये नास्तिक थे विवेकानंद, लेकिन इनके संपर्क में आने के बाद ये आस्तिक बन गए और ईश्वर के प्रति इनका विश्वास बढ़ गया। तो आप याद रखेंगे कि विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी राम कृष्ण परमहंस। हम लोग याद रखेंगे कि विवेकानंद का भी रियल नेम कुछ और था, तो हिज रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो अब यह सवाल ये उठता है कि उन्हें नरेंद्रनाथ दत्त से विवेकानंद नाम किसने दिया, तो इसे भी याद रखेंगे आप, जो बहुत बार एग्जाम में आपके पूछे गए, तो आप नोट कर लेंगे कि ही वॉज कॉल्ड
विवेकानंद बाय द किंग ऑफ खेतड़ी अजीत सिंह इन 1893 उन्हें 1893 में खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद नाम दिया गया, आप इसे याद रखेंगे। और ये खेतड़ी कहां पर स्थित है ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खेतड़ी इस सिचुएटेड इन राजस्थान, ये राजस्थान में स्थित है। और खेतड़ी फेमस है कॉपर के लिए, यहाँ पर कॉपर पाया जाता है, तांबा का खान है यहाँ पर। और आज से यहाँ तांबा नहीं पाया जाता है, जब से सिंधु घाटी सभ्यता थी तब से ही यहाँ पर तांबा पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, खेतड़ी इज फेमस फॉर कॉपर माइंस, खेतड़ी तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। और अजीत सिंह वहां के शासक थे जो विवेकानंद के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इन्होंने ही विवेकानंद नाम दिया, इसे आप याद रखेंगे। हम लोग याद रखेंगे कि विवेकानंद 1893 में ही जब शिकागो अमेरिका जा रहे थे तभी इनका नाम अजीत सिंह ने विवेकानंद रखा। तो आप इसे नोट करेंगे कि विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन यूएसए इन 1893 एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव विवेकानंद 1893 में शिकागो में प्रथम धर्म संसद में एक भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। पहली बार एक धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, और उसमें विवेकानंद इंडिया की ओर से हिंदू धर्म का रिप्रेजेंट बनकर गए थे। तो आप याद रखेंगे कि विवेकानंद जब वहां पर गए तो इंडिया का कोई स्थान नहीं था पूरी दुनिया में। उसमें इंडिया को माना जाता था मूर्खों का देश, अनपढ़ों का देश, भूखों का देश, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हमारे पास उसमें विवेकानंद जैसे महान वक्ता थे। विवेकानंद वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, एक महान वक्ता थे। उनके भाषण में ये जादू होती थी कि अगर कोई व्यक्ति उनके भाषण को सुन ले तो कितना भी वो निराश क्यों ना हो, हीन भावना का शिकार क्यों ना हो, वो ये सोच रहा हो कि अब तो मैं बेकार हो चुका हूं, अब मैं इस लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक बार अगर विवेकानंद के भाषण को सुन लेता था तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती थी कि वो तनकर खड़ा हो जाता था और कहता था बताओ मैं क्या करूं। तो इतनी एनर्जेटिक उनकी बातें होती थी जिसको कि सुनकर लोग उत्साहित हो जाते थे, उमंग से भर जाते थे। तो इस प्रकार विवेकानंद जब वहां पर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए तो स्टेज पर खड़े होकर सबसे पहले उन्होंने एड्रेसिंग किया। एड्रेसिंग में उन्होंने कहा, डियर अमेरिकन सिस्टर, मदर एंड ब्रदर्स। तो सबसे पहले उन्होंने अपने भाषण में महिलाओं को स्थान दिया भारतीय परंपरा के अनुसार। अभी तक जितने भी भाषण देने वाले थे किसी ने महिलाओं को पहला स्थान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार सबसे पहले महिलाओं को स्थान दिया। तो वहां पर अधिकांश तो महिलाएं बैठी हुई थी। वैसे भी जो कहीं पर भी धर्म सम्मेलन होता है तो आपने देखा होगा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो महिलाओं को जो पहला स्थान उन्होंने दिया तो महिलाओं ने खुश होकर उनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया। तो महिलाओं का समर्थन अगर मिल जाता है तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। तो विवेकानंद ने अपने भाषण में न सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बल्कि उन्होंने व्यवहारिकता के बारे में, उन्होंने सामाजिकता के बारे में, उन्होंने बुराइयों के बारे में, उन्होंने अच्छाइयों के बारे में बहुत सारी बातें कही। और उनका भाषण सबसे लंबे टाइम तक चला। तो आप याद रखेंगे कि ही डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन जीरो
फॉर 7 days देयर, वहां उन्होंने शून्य पर 7 दिनों तक भाषण दिया था। अब शून्य का मतलब यहां पर कोई मैथमेटिक्स वाला शून्य नहीं, मैथमेटिक्स का जीरो नहीं, एक्चुअली उन्होंने यूनिवर्स पर भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ धर्म के बारे में ही नहीं, बल्कि धर्म से के अलावा भी उन्होंने व्यवहार के बारे में, बिहेवियर नॉलेज के बारे में, मॉरलिटी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। और इसीलिए अब वहां पर जो लोग बैठे थे वे लोग अब सिर्फ विवेकानंद को ही सुनना चाहते थे। अगर कोई दूसरा बोलने के लिए तैयार होता था तो लोग चिल्लाने लगते थे, डिमांड करने लगते थे, विवेकानंद विवेकानंद। और ऑर्गेनाइजर को शांत करने के लिए ये कहना पड़ता था कि अगर आप लोग शांत नहीं रहते हैं तो विवेकानंद जी का भाषण दोबारा नहीं सुनाया जाएगा। तो लोग फिर चुप हो जाते थे, फिर विवेकानंद उठते थे, 10 मिनट 15 मिनट बोलते थे, फिर बैठ जाते थे। तो इस प्रकार ये सिलसिला वहां पर 7 दिनों तक चलता रहा। उनके भाषण की काफी प्रशंसा हुई। वहां के जो एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर उसमें थे न्यूयॉर्क हेराल्ड, दूसरे दिन ही उसमें लिखा गया कि अगर कोई विदेशी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया में किसी को भेजता है तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि इंडिया में ऐसे ऐसे महान विद्वान जब रहते हैं तो वहां पर तो हमारे धर्म का कोई विसात ही नहीं है। तो इस प्रकार विवेकानंद ने यहाँ पर भाषण देकर भारत की इज्जत और अस्मिता, जो कि एक तरह से धूमिल होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, उन्होंने क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया। तो आप याद रखेंगे कि विवेकानंद ने वहां पर एक और इंपॉर्टेंट काम किया। ही फाउंडेड इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी इन 1894 इन न्यूयॉर्क। उन्होंने 1894 में न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी की स्थापना की, अंतर्राष्ट्रीय वेदांता सोसाइटी की स्थापना की न्यूयॉर्क में 1894 में। आप याद रखेंगे कि उनके भाषण को सुनकर बहुत सारे अलग अलग धर्म के जो लोग थे उन्होंने भी हिंदू धर्म को अपना लिया था। उनमें से एक नाम हम लोग याद रखेंगे, मिस मार्गरेट नोबेल का नाम। मिस मार्गरेट नोबेल वॉज एन आयरिश क्रिश्चियन, आयरिश क्रिश्चियन लेडी she adopted Hindu religion and she became the follower of Vivekanand। Miss Margaret Nobel जो आयरलैंड की महिला थी, मिस मार्गरेट नोबेल जो आयरलैंड की महिला थी, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया 1895 में। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया 1895 में और वे विवेकानंद की शिष्या हो गई। हम लोग याद रखेंगे इससे संबंध में क्वेश्चन आता है कि विवेकानंद ने मिस मार्गरेट नोबेल को क्या कहा, तो आप याद रखेंगे कि शी वॉज कॉल्ड सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता बाय स्वामी विवेकानंद। उन्हें स्वामी विवेकानंद ने बहन निवेदिता कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप, बहन निवेदिता, सिस्टर निवेदिता कहा विवेकानंद। हम लोग याद रखेंगे विवेकानंद ने अपने विचारों को, सामाजिक विचारों को, धार्मिक विचारों को स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल, मंथली जर्नल, मासिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। तो ही पब्लिश्ड ए मंथली जर्नल प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत। उन्होंने एक मासिक पत्रिका जिसका नाम था
प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत की शुरुआत की। हम लोग याद रखेंगे कि इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया और 1896 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसे याद रखेंगे, प्रबुद्ध भारत मंथली मैगजीन, जिसमें उन्होंने अपने धार्मिक विचारों को, अपने सामाजिक विचारों को प्रकाशित किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल माना जाता है विवेकानंद का। एक और जर्नल हम लोग याद रखेंगे, उद्बोधना, ऑल्सो ही पब्लिश्ड उद्बोधना, ऑल्सो ही पब्लिश्ड उद्बोधना, उद्बोधना मैगजीन इन 1899 इन बंगाली लैंग्वेज। उन्होंने बंगाली भाषा में 1899 में उद्बोधना का प्रकाशन किया। विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे, क्योंकि उनके गुरुजी जो थे मूर्ति पूजा के समर्थक थे, तो इन्होंने भी मूर्ति पूजा का समर्थन किया। हालांकि इन्होंने शुरुआत में ये ईश्वर को मानते ही नहीं थे। विवेकानंद के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की डिग्री ली कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और शुरू से ही नास्तिक थे, बचपन में काफी शरारती थे। इनके बचपन के बारे में कहा जाता है कि इतना ज्यादा ये शरारती थे कि ये अपने माता पिता को नाको चने चबा देते थे, लेकिन इनकी माँ इन्हें पीटती नहीं थी। जब ये बहुत ज्यादा बदमाशी पर उतर आते थे, तब इनकी माँ हाथ में गंगा जल लेकर शिव शिव कहकर इनके ऊपर छीट देती थी, फिर ये शांत हो जाते थे। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, इनके पास किसी भी बातों के लिए 1000 तर्क होता था। बहुत सारे प्रोफेसर इनसे मिलने से कतराते थे। कहा जाता है कि एक बार जब ये ग्रेजुएशन की क्लास में थे, तो एक अंग्रेज प्रोफेसर ने एग्जाम्पल में बताया कि कलकत्ता में एक बहुत महान संत रहता है जो किसी धार्मिक बातों की व्याख्या एक गॉड के रूप में करता है। अब गॉड की बात को सुनकर विवेकानंद को बड़ी हंसी आई, क्योंकि ये गॉड को मानते नहीं थे शुरुआत में, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं उसी गॉड से जाकर मिला जाए और जो मैं जानना चाहता हूँ उनसे पूछा जाए। उन्होंने गुरुजी का पता नोट कर लिया, और जिस दिन गुरुजी से मिलने जाने वाले थे, इसकी जानकारी गुरुजी को पहले ही हो गई। गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो तो तांत्रिक थे, उन्हें फोरसाइटर भी थे, उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी पहले से थी। कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस इंतजार में बैठे थे, और जैसे विवेकानंद कुटिया के अंदर प्रवेश किया, गुरुजी उठे और विवेकानंद को गले से लगा लिया, और गुरुजी ने कहा कि तुम्हें तो पहले आना चाहिए था, तुमने कुछ देर कर दी। अब विवेकानंद को बहुत ही आश्चर्य हुआ, उन्हें लगा कि ना जान ना पहचान, कभी इनसे मिला भी नहीं, उसमें कोई मोबाइल भी लोगों के पास नहीं होता था कि फोन करके कह देता कि भाई देख लेना संभाल लेना ये जा रहा है, लेकिन ये जान कैसे गए? तो सिक्स सेंस, उनके अंदर सिक्स सेंस डेवलप हो चुका था तपस्या के द्वारा, क्योंकि वो 6-6 महीने काली मंदिर में तपस्या करते थे, बिना कुछ खाए पिए मेडिटेशन करते थे। तो इस प्रकार विवेकानंद को उन्होंने आगे बिठाया, और जो जो प्रश्न उनका धर्म से संबंधित था, उन सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने बिना पूछे ऐसा दिया कि विवेकानंद के मन में जो नास्तिकता की बुखार थी वो खत्म हो गई, और वो गुरुजी के पैर पर गिर पड़े। तो इस प्रकार विवेकानंद आस्तिक बन गए, नास्तिक से आस्तिक बन गए। तो आप याद रखेंगे कि आस्तिक बने जो भगवान पर विश्वास करने वाला होता है, और नास्तिक बने जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। तो शुरू में वो नास्तिक थे, बाद में ही आस्तिक बन गए। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे विवेकानंद की उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं थी उसमें, लेकिन उस कम उम्र में भी उन्होंने दुनिया में एक महान दार्शनिक, एक महान फिलोसफर की छवि बनाई। उनके गुरु जी का कहना था कि तुम पूजा पाठ में पाखंड को मत अपनाओ, मानव की सेवा ही धर्म है। उनके गुरु जी का कहना था कि जीवा इज शिवा, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, द स्टेटमेंट ऑफ रामकृष्ण परमहंस वॉज जीवा इज शिवा, यानी जीव ही शिव है। तो जीव को ही शिव के रूप में मानते थे वो, और विवेकानंद भी इसी को अपनाया, और इनके मैसेज को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। तो विवेकानंद मात्र 1902 में 39 की उम्र में, 39 वर्ष की अवस्था में, उनकी जो एज थी 39, 1902 में उनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने पूरी दुनिया में एक यंग फिलोसफर की छवि बनाई। उन्होंने खास करके भारत के नवयुवकों को देशभक्ति का ज्ञान दिया और उन्होंने ही बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे कहा जिससे कि हमें काफी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने ही कहा जागो, उठो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उन्होंने ही बहुत सारी बातें ऐसी बताई, उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास कोई स्वप्न नहीं है तो वास्तव में वो गरीब है। तो इस प्रकार ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई जिससे लोग पढ़कर समझकर अपने अंदर एनर्जी लाते हैं और फिर उसके बाद वो लक्ष्य के प्रति तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग विवेकानंद के बारे में याद रखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितना ज़्यादा आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहेंगे आप, और स्टडी विथ आर के झासर चैनल को आपको आगे बढ़ाना है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप जितना ज़्यादा इसे आगे बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा वॉच करते हैं, उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है। और फिर मैं आपको और बढ़िया बढ़िया और भी बातें और टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझाते रहते हैं। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।